कि एरेज जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, कह रहे हैं एन एरे इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डेट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हालांकि वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन एरेज में एक वक्त में कई वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है। यूँ भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की एडवांस फॉर्म एरे है। एरेज आर यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा सच एज लिस्ट ऑफ आइटम्स, द वैल्यूज इन एरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि कोई लिस्ट में डेटा है वो हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, और जो एरेज के एलिमेंट्स हैं, एरेज के जो एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एंड ईच एलिमेंट हैज़ अ नंबर्ड पोजिशन नोन एज इंडेक्स, और एरे में इंडेक्स कहा जाता है एलिमेंट्स की पोजिशंस को। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि मेमोरी में एरे बनता कैसा होगा। मेमोरी का मतलब कंप्यूटर की याददाश्त, जैसे हमारी याददाश्त है। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल का ये जो आप फिज़िकल शेप देखते हैं, वैसे कि ये एरे की एक एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे अगर मेमोरी में एरे कुछ इस तरह का बनता है कि जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो मेमोरी में ऐसे क्रिएट होता होगा या इस तरह से क्रिएट होता होगा। और यहाँ पर एरे के जो मामलात हैं वो, जैसे हमने इस एरे का नाम लिखा फ्रूट्स, तो ये एरे का नाम हो गया। यानी कि इस पूरे एरे का नाम क्या है, फ्रूट्स, और इसमें ये सारे इसके क्या हैं, एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को आइडेंटिटी करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इनको कहा, इनके रखे जाते हैं इंडेक्स। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यूँ कह सकते हैं फ्रूट नाम के एरे के 9 एलिमेंट्स हैं, जो कि पहला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। तो उसको समझने के लिए हम यूँ लिखेंगे फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो, फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट में 1, और सो एंड। इस तरह से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, और इंडेक्स उसका एलिमेंट का आइडेंटिटी नंबर होता है, जो उस एरे के साथ इस तरह से कॉल किया जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली एरे बना सकते हैं। आज की क्लास में हम एरे को कोर प्रोग्रामिंग में समझेंगे, एरे डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, और वेब पेज पे उसको कैसे टेस्ट किया जाता है उसको समझेंगे। एक न्यू फाइल लेते हैं कंट्रोल एन की मदद से, सेव कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं array.html, क्योंकि हम वेब पेज के ऊपर इसको टेस्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट का कोड भी इस पर ही रन करने वाले हैं। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, बेसिक HTML का कोड हमने यहाँ पे लोड कर लिया, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं था। और यहाँ पर मैं जो हूँ इसको करने लगा हूँ इसके ऊपर कनेक्ट। तो कैसे करेंगे कनेक्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एरेज इन जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके स्क्रिप्ट का टैग लगाया। अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ, इसी पे कर रहा हूँ, अलग से भी बना सकते हैं पर मैं, और इस पे जाके मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सपोज टू बी एरे कैसे डिक्लेयर होगा। तो 3 कीवर्ड हमने सीखे थे, लेट, वार और कॉन्स्ट। हम यूज़ कर रहे हैं लेट, वार, एरे का नाम। अब एरे का नाम कैसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक एरे बनाया कलर्स के नाम से, और सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये एरे नहीं, ये बना वेरिएबल। अगर मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके एलिमेंट की तादाद बनाऊंगा तो ये बन गया एक एरे, और ये एरे डिक्लेयर भी हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरे डिक्लेरेशन। ये कमेंट्स करके मैं आगे लिख रहा हूँ एरे डिक्लेरेशन। लेकिन साथ साथ अगर मैं इसको इनिशियलाइज भी करना चाहता हूँ, मतलब इसमें वैल्यू भी बिठाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे करना ये होगा कि लेट, यहाँ पे मैंने बताया फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टली इक्वल, और उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, और उसमें जितनी वैल्यूज़ मैं ऐड करूँगा विद कॉमा उतने एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें एरे कलर्स के नाम से बनाया है, तो कलर्स की जो वैल्यू होगी वो मैं स्ट्रिंग दूंगा, तो यहाँ 2 सिंगल कोट लगाए कॉमा, ठीक है, तो यहाँ मैंने कलर स्टोर कराया
तो ये एक एरे बन गया जिसमें स्ट्रिंग डेटा सेव किया गया है, और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और इंडेक्स क्या है एलिमेंट का, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब सवाल ये है कि वेब पेज पे क्या नज़र आने वाला है, वेब पेज पे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। उसकी वजह है क्यों कुछ नज़र नहीं आने वाला, उसकी वजह यह है कि वेब पेज जावास्क्रिप्ट के कोड को रेंडर तो कर रहा है लेकिन अभी आउटपुट पे कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से मैं अपनी फाइल को वेब पेज पे ओपन करता हूँ तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है इनसाइड बिहाइंड द स्क्रीन। कोड टेस्टिंग के लिए एक कमांड है जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम है console.log, लेकिन उसका कोड टेस्टिंग के दौरान वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा, कंसोल में नज़र आएगा। कंसोल में कैसे नज़र आएगा, कंसोल खोलेंगे कैसे, वेब पेज पे राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें दिखाई देगा कंसोल। जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड हमें टेस्ट करना होता है वो पहले कंसोल पर टेस्ट कर लेते हैं, बाद में उसको प्रैक्टिकली किसी प्रोग्राम में प्लांट कर देते हैं। तो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा, ओके, लेकिन आउटपुट आएगा कंसोल लॉग से। अगर कंसोल डॉट लॉग कमांड को हम लिखें इस तरह से और उसके ब्रैकेट्स में इस एरे का नाम रख दें जिसका नाम है कलर्स, और ये कुछ इस तरह से हो, तो वो पूरा एरे रीड करके राइट कर देगा, यहाँ पे पूरा एरे लाके दिखा देगा कि मेमोरी में एरे ऐसा है। ये था एक स्ट्रिंग एरे, इसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका था, लेट एरे का नाम असाइनमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स अगर वो स्ट्रिंग डेटा है। अगर हम एक एरे ऐसा डिक्लेयर करें जो नंबर वैल्यू को होल्ड करेगा तो यहाँ लिखेंगे लेट, जैसे सपोज टू बी उसका नाम रह लेते हैं सीरियल नंबर एरे का नाम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू न्यू एरे राउंड ब्रैकेट्स, और चूंकि नंबर है तो डायरेक्टली हमने लिख दिए। ये भी तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का। जावास्क्रिप्ट में एरे को दो तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है, लेगेसी मेथड और न्यू मेथड। न्यू मेथड में क्या है, कमांड सेम है, एरे का नाम इक्वल टू न्यू एरे, ये कमांड है एरे यानी एरे, और उसमें ए कैपिटल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे SNO एरे को डालते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जाके हमने देखा पूरा एरे उसने हमें यहाँ पे जी, हाँ ये बता रहा है, ये आपकी फाइल का नाम है एरे डॉट HTML उसकी टाइप है, ये कोड लाइन नंबर 16 पे लिखा है, कोड लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ, सही है, समझ में आ रही है। मतलब कंसोल वाली कमांड 16 पे लिखी हुई है और 20 पे लिखी हुई, इसलिए रेफरेंस कर रहा है। दोनों मेथड समझ में आ गए एरे को रीड एंड राइट करने के। अब एरे को एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए, मिसाल के तौर पे मैं इस सिर्फ ब्लू का आउटपुट लेना चाहता हूँ, पूरा एरे को आउटपुट पर नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे क्या, कलर्स ब्लू का नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 और सेमीकोलन। लेकिन इस तरह से लिखने से आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये हमें आउटपुट दिखाने के लिए कंसोल के ऊपर लाना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट ब्रैकेट एंड ओवर ब्रैकेट सेव एंड रिफ्रेश। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ इस वाले सीरियल का आउटपुट लेना चाह रहा हूँ तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 9, तो मैं यहाँ लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एरे का नाम इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास एरे के कुछ मेथड्स हैं जिससे हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब मेथड से क्या मतलब है, मेथड से ये मतलब है कि कैसे एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, कैसे एरे का एलिमेंट डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमें मॉडिफाई करने पे एक मेथड मिल रहा है पुश। पुश मेथड क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करेगा किसके अंदर, एरे के अंदर, तो ये चिपक जाता है इसके पीछे। कैसे करेगा, एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। आइए इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस एरे में मेरे पास आखिरी एलिमेंट में जो वैल्यू है वो ब्लैक है
और टोटल एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर के हिसाब से, और वैसे 1, 2, 3, 4। मुझे इसके अंदर पांचवी वैल्यू ऐड करनी है, तो कैसे करूँगा? इस एरे का नाम क्या है? कलर्स। तो मैं जाके यहाँ लिख रहा हूँ कलर्स डॉट पुश स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स मजंटा, वैल्यू पास करी क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में। और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग कलर्स राउंड ब्रैकेट। तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, मजंटा उसके अंदर ऐड नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कलर्स डॉट पुश कलर्स, यहाँ कलर्स आ गया पर शायद वो एलिमेंट ऐड हुआ है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, ये जो डॉट पुश है इसको उठा के, इसको पूरा का पूरा उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। सही, चेक करते हैं, अनडिफाइंड हो गया। ओके, चेक करते हैं ज़रा यहाँ पे। तो कोड ये कह रहा है कि इस तरह से लिखना है, हमसे गलती क्या हुई है इसके अंदर कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हम क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि पुश एक मेथड है और मेथड हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में एग्जीक्यूट होता है। अब कलर्स एरे के अंदर मैजेंटा नाम का वैल्यू एड होगी एक नए एलिमेंट में और उसका आउटपुट हम नीचे देख सकेंगे। यहाँ पे देखें, इससे पहले आउटपुट दिखा रहा है कहाँ तक, और एक और एडिशन ऐड कर दिया, यानी कि कोई भी कमांड बटन पे जब भी हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो पुश मेथड के ज़रिए हम इसमें इजीली ऐड कर पाएंगे। अब आते हैं एक और मेथड की तरफ, पॉप रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, कैसे करेगा आइए चेक करते हैं। हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हमारा लास्ट एलिमेंट है 13, इसको रिमूव करना है। ओके, कैसे करेंगे, एरे का नाम क्या है, SNO डॉट POP, क्योंकि इसमें तो बाई डिफ़ॉल्ट लास्ट को ही करेगा तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन पे देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग SNO ब्रैकेट्स ओवर, और मैं आपको दोबारा से इसका आउटपुट यहाँ पे लेके दे रहा हूँ। इससे पहले पॉप से पहले और पॉप के बाद, ठीक है, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। रिफ्रेश, तो देखिए पॉप से पहले क्या आउटपुट आ रहा है, 13, और पॉप के बाद कितना आ रहा है, एक एलिमेंट को क्या कर दिया उसने, एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। इस तरह से लास्ट एरे के एलिमेंट को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं POP मेथड के ज़रिए। चलें नेक्स्ट, हमारे पास क्या है मेथड, अनशिफ्ट एड्स एन एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ एन एरे, किसी भी एरे के बिगनिंग में एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हम लिखेंगे, इसी कलर वाले में देखते हैं, फर्स्ट कलर है रेड, रेड से पहले भी मैं ऐड करा रहे हैं पिंक, कैसे करेंगे, कलर्स डॉट अनशिफ्ट राउंड ब्रैकेट, क्या वैल्यू पास करी, पिंक। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इससे पहले कंसोल डॉट लॉग कलर्स, और फिर यहीं पे दिखाने वाला हूँ इसके बाद कंसोल डॉट लॉग कलर्स ओवर ओवर, एंड देखिए अब आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे पहला कलर कौन सा है और आफ्टर अनशिफ्ट कितना कौन सा है, हो गया ना, कह रहे एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, नहीं समझ में आया, एक्सीलेंट। फिर आते हैं शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, पहले एलिमेंट को रिमूव करेंगे, अभी पहला एलिमेंट तो आ ही रहा है वो, तो अब इसको रिमूव कर देते हैं शिफ्ट मेथड से। सिंपल क्या करेंगे, कलर्स डॉट शिफ्ट, ठीक है, अब SNO का पहला नंबर डिलीट कर देते हैं, सॉरी बस उसको तो कलर्स और शिफ्ट ही लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट डिलीट कर देगा। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी कमांड को दो जगह लिखूँगा, पहले और बाद में, और यहाँ देखिए एरर आ गया, लाइन नंबर कौन सी पे, 34 पे, 33 सही है, 34 पे मसला गया, 34 पे क्या मसला है, कलर डॉट शिफ्ट लिखा है। और क्या कह रहा है, कलर डॉट शिफ्ट कलर इट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे और कलर्स डॉट शिफ्ट, सही लिखा है हमने, कलर्स की स्पेलिंग का फर्स्ट। रिफ्रेश, तो देखें पहला वाला एलिमेंट था और दूसरे वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
नहीं पढ़ा? ओके देखते हैं क्यों नहीं पढ़ा। पहले ये चला कंसोल डॉट लॉग SNO, उसने दिखाया और कलर्स डॉट शिफ्ट पे किया, तो फिर शिफ्ट कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये करेगा रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। और इसको लिखने का तरीका भी सही है, हमने सही लिखा है बिल्कुल, तो ये शिफ्ट हुआ क्यों नहीं? अच्छा क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, वो उसकी कमांड ये है कि फर्स्ट एलिमेंट को करेगा, तो इसलिए इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वन डिलीट होना चाहिए था पर वन डिलीट नहीं हुआ, इसको चेक करने की ज़रूरत है। तो चलें यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे जाके इस जगह पे यही कमांड हम उठा के डायरेक्ट इसके नीचे लगाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश, तो लाइन नंबर कौन सी है ये, 20 और 22। रिमेन अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके तो देखिए कितने बेवकूफ़ हैं हम और आप दोनों, कर रहे कलर्स को हैं चेक्स SNO को कर रहे हैं। हो गया, कर रहे थे कलर्स को चेक SNO को कर रहे थे, तो कोड कैसे काम करेगा? ओके शिफ्ट के बाद है लेंथ, ये सिर्फ आपको एरे की लेंथ बताएगा कि इस एरे की टोटल लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मालूम करना चाह रहे हैं SNO एरे की लेंथ कितनी है, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ जाके SNO डॉट लेंथ दो ब्रैकेट्स, ओके ये आपको बताएगा कि इसके एलिमेंट कितने हैं। और इसमें क्या एरर आ गया, 35 लाइन पे एरर है। कंसोल डॉट लॉग SNO डॉट लेंथ, लेंथ तो सही लिखा है, तो ब्रैकेट्स, इसके भी दो ब्रैकेट्स, सही है। क्या हुआ, तो यहां पर देखिए रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कैसे लिखना है, कंसोल डॉट डॉट लेंथ, आउटपुट आना चाहिए 3, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा, कंसोल डॉट लॉग भी सही है। चलो कलर्स लिख के देखते हैं। अच्छा इसके आगे ब्रैकेट्स लगाने, ब्रैकेट्स नहीं लगाने, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिए थे हमने, ठीक है ये ब्रैकेट नहीं लगाने होते इसके अंदर। अलेवन, तो इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं ऊपर काउंट भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ठीक है। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि ऐसे एरे कैसे डिक्लेयर होता है और उसके एरे के क्या फ़वाद हैं, किस तरह उसके अंदर डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, और पुश पॉप और अनशिफ्ट शिफ्ट लेंथ किस तरह से मैथड उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। बराए मेहरबानी इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको समझ लें ताकि